Assalamu alaikum, dear students of class 8. Dear students, today you will learn about a topic that is competition. What is competition and what is the role of competition? As you know that in our ecosystem, there are more living organisms, okay, that can burrow and survive, जो कि बर्न होते हैं और सर्वाइव करते हैं, ठीक है। उनमें से सिर्फ वही अडॉप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में जो कि कंपटीशन, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कंपटीशन होता है दो बच्चों के बीच में, ठीक है, तो वही जीतता है जो क्या करता है, कॉम्पीट कर लेता है। तो इधर भी ऐसे ही है कि वो स्पीशीज कॉम्पीट कर लेती हैं जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि कॉम्पटिशन कर सकती हैं। कॉम्पटिशन एनिमल्स के और प्लांट्स के बीच में होता है और एनिमल्स और प्लांट्स के डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी होता है। अब जो क्रॉप प्लांट्स है, जैसे कि वीट हो गया हमारे पास, ठीक है, और या फिर हमारे पास जो है वो राइस स्ट्रिप हो गया, इनमें भी क्या होता है, एक कॉम्पटिशन होता है। सो व्हाट डू प्लांट्स कॉम्पीट फॉर, ठीक है, प्लांट्स किस लिए कॉम्पीट करते हैं, किस वजह, मतलब क्यों कॉम्पीट करते हैं। अब जो आपको पता है कि प्लांट जो है वो एनर्जी मतलब जो है वो लेते हैं, ठीक है, ट्रैप करते हैं सनलाइट से और क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं कि वो ज़्यादा जो ज़्यादा लाइट जब लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फूड बनाते हैं और वो ग्रो करते हैं उस तरह फास्ट से भी फास्ट। प्लांट को चाहिए मिनरल्स, एलिमेंट्स, किस में से, सॉयल में से, ताकि जो है वो क्या कर सके, जो है वो रह सके। अब ये जो उनको अगर नहीं मिलेंगे तो ये अपना फूड नहीं बना सकेंगे। जो प्लांट का रूट सिस्टम है, ये देखिए आप, वो अच्छे तरीके से स्प्रेड है डीपली, ठीक है, तो ये मोर ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्राइटली कलर्ड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। जितने ज़्यादा इंसेक्ट्स होंगे विजिट करेंगे फ्लावर पे, उतना प्लांट के लिए चांस होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोलिनेशन करेंगे, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं रॉन्ग प्लेसेस पे, कभी कभी गलत जगहों पे कर देते हैं, जहाँ पे उनको वीड्स यानी कि जो है वो माइक्रोब जो होते हैं ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, वो उनको क्या कर देते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फार्मर क्या कर देते हैं कि वी डू नॉट वीड ग्रोइंग ऑलमोस्ट देयर क्रॉप, जो फार्मर्स क्या करते हैं कि वीड्स वाली जगह पे क्रॉप्स नहीं जो है वो क्रॉपिंग करते, ठीक है। उसके बाद जो है ये वीड जो है ये कम्पीट करते हैं क्रॉप और प्लांट्स के साथ और अपने वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल्स में से, और रेस्ट्रिक्टिंग जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उन मतलब उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2, ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रॉम बुक पेज नंबर 64। सो दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।